एवरीवन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है पैसिफिक ओशन ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया है उसका। अब जो नेक्स्ट है वो है आपके पास पैसिफिक ओशन का ड्रेनेज। आर्कटिक ओशन का ड्रेनेज हमने पढ़ लिया। पैसिफिक ओशन ड्रेनेज में क्या होता है, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी कि जो इनके रिवर्स के प्लान होंगे, ठीक है, या फिर जिसको हम मिडल कोर्स कहेंगे, ठीक, और वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हैं वर्ल्ड के अंदर। यानी जब ये रिवर, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि रिवर्स जब ये फॉर्म करते हैं, ये बहुत ग्रेट प्लान्स फॉर्म करते हैं, और वो प्लान्स वर्ल्ड के कुछ डेंसली पॉपुलेटेड प्लान्स के अंदर आते हैं, एक चीज़। ठीक है, सेकंड क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं यहाँ पे वो हैं अमूर, यांगजी कियांग, हवांग हो जिसको येलो रिवर से भी कहा जाता है, सी कियांग और रेड रिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हवांग हो को सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ठीक है, रेड रिवर को जो एक और नाम से, उसको नाम है युआन। ठीक है, युआन रिवर के नाम से भी जाना जाता है रेड रिवर को। ओके, जितने भी ये रिवर्स हैं ये ईस्टर्न साइड पर राइज करते हैं। ईस्टर्न साइड किसके, सेंट्रल एशियन हाईलैंड के ईस्टर्न साइड पर। मान लो सेंट्रल एशियन हाईलैंड है तो इसके ईस्टर्न साइड यहाँ से राइज करेंगे और पैसिफिक ओशन में जाकर डिस्चार्ज होंगे। और ये प्लेन्स जो हैं हैव सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट कल्चरल हर्थ्स। ठीक है, मतलब कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लेन्स के अंदर कुछ वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट जो हमारे पास ट्रेडिशंस हैं वो लाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद इन प्लेन्स के अंदर क्या होता है, इस प्लेन्स हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा रीजन्स। ठीक है, जो इन प्लेन्स के डेल्टा रीजन हैं वो वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स के अंदर आते हैं, जो इनके डेल्टाज जो भी फॉर्म करते हैं, एक चीज़। अब हम इसको थोड़े से देखते हैं यहाँ पर मैप में। तो अब देखो, मैंने आपको बताया यांगजी क्या एक आ गया, ठीक है, सॉरी येलो रिवर आ गया, ठीक, जिसको हम हुआंग हो के नाम से भी जानते हैं। फिर आपके पास यांगजी क्यांग आ गया, फिर आपके पास पर्ल आ गया, उसके बाद आपके पास ये सोदर्न रिवर्स के भी आते हैं कुछ इसके अंदर, जिसमें आपके पास कौन कौन, सोदर्न रिवर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से होंगे, ये मेकोंग हो गया, ठीक है, साल्विन हो गया, ठीक, इसको हम साल्विन इसके अंदर नहीं आएगा, मेकोंग आएगा। उसके बाद एक थाईलैंड का एक रिवर आता है, इसको हम कहते हैं मीनाम। ठीक है, मीनोम कहते हैं, थाईलैंड के एक रिवर है उसको, वो भी आपके पास पैसिफिक में आता है। फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जो मेकोंग है ये वाला रिवर, मेकोंग रिवर ये जो यहाँ से जा रहा है, ये वाला कंबोडिया का रिवर है, मीनोम जो है वो थाईलैंड का है। ठीक है, बाकी जो मेजर इसमें है वो चाइना के रिवर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर मैं आपको जो समझा दिया भाई ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, सबसे पहले एक एक का रिवर का, जो हुआंग हो रिवर है, सबसे पहले हुआंग हो ये तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और उसके बाद इसको येलो रिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये येलो लॉइस जो है सॉइल है उससे फ्लो करता है। ठीक, और इसके जो कोर्स हैं बहुत बार चेंज होते हैं, इसीलिए इसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि जब रिवर अपना कोर्स चेंज करता है, ठीक है, तो रिवर जब कोर्स चेंज करेगा तो उससे क्या होगा कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और किसी जगह पर ड्रॉट और किसी जगह पर फ्लड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से देख लो आप, आपके पास अमूर रिवर है, हुआंग हो रिवर, मैंने अभी आपको बताया हुआंग हो। ठीक, यहाँ पे हमारे पास हुआंग हो रिवर, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, येलो रिवर, हुआंग हो को क्या कहा जाता है, येलो रिवर भी कहा जाता है, ये है हुआंग हो को। ठीक है, एक चीज़। उसके बाद हमारे पास क्या रहा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रहेगा, यांगजी क्यांग रिवर। यांगजी क्यांग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस एरिया एंड फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी लेंथ जो है 5120 किलोमीटर है। इट इज़ नेविगेबल है, ये पैसिफिक ओशन से लेके तिब्बतन प्लेट्यू तक, ठीक है, ओशन से लेके प्लेट्यू तक ये पूरे का पूरा नेविगेबल रिवर है। और बहुत बड़ा डेल्टा है जो हमारे पास फ्लोज इन टू द पैसिफिक में जो जाते जाते बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हैं मीन, हान और कान, ये तीन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि रिवर यांगजी क्यांग की। इसके अलावा यांगजी क्यांग की अगर हम देखें तो ड्रेनेज बेसिन 1.808 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, जो मीन और हान है ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें भी हैं जियांग और कैन जो है वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको अगर आप देखें तो हमारे पास तंगूला माउंटेन से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तंगूला आप याद रखेंगे, तंगूला माउंटेन से यांगजी क्यांग जो है वो राइज होता है। ठीक, उसके बाद
वो दो लेक्स हैं जहाँ पे आपके पास ये फ्लो करता है, उसमें एक का नाम है, एक लेक का नाम होगा तुंगतिंग ठीक है, एक लेक जो है उसका नाम है TUNGTIN ठीक है, तुंगतिंग लेक है, और दूसरी जो है वो पोयांग लेक है, POYANG पोयांग ठीक है, पोयांग लेक है जो इसकी इंपॉर्टेंट कुछ जो इसके हमारे पास लेक से फ्लो करता है ठीक, यांगजी रिवर। थर्ड हमने क्या कहा कि आपके पास फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड का ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इस एरिया पूरे का है जो हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अमूर रिवर है, अमूर रिवर जो है एक बाउंड्री बनाता है, एक वर्चुअली ये हमारे पास एक बाउंड्री बनाता है बिटवीन चाइना एंड ईस्टर्न रशिया। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं उसूरी हैं, सुंगरी हैं, लियाहो हैं और पीहू हैं ठीक। और इसके बाद जो अमूर रिवर के बारे में और क्या चीज़ है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं ब्लैक ड्रैगन ठीक है, ब्लैक यहाँ लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है ठीक है, तो ब्लैक ड्रैगन रिवर जो है इसको कहा जाता है ओके। ये खिंगन शान माउंटेन से ठीक है, खिंगन शान माउंटेन से ये राइज होता है अमूर रिवर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अमूर रिवर, ये देखें यहाँ से इन माउंटेन से, यहाँ पर एक माउंटेन से उनका नाम है खिंगन शैन माउंटेन्स ठीक है, जहाँ से ये राइज होता है ठीक। और इस चाइना के बारे में बाउंड्री, इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है वो है 1.855 स्क्वायर किलोमीटर का ड्रेनेज बेसिन है, लेंथ इसकी 22,824 किलोमीटर की लेंथ रहेगी, और हमारे पास ही जाके ड्रेनेज कहाँ होता है पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा कुछ सदर्न रिवर्स हैं जिसमें सिकियांग आ गया ठीक है, युआन या रेड रिवर जिसको हमने कहा, मेकोंग रिवर है कंबोडिया का, उसके बाद मिनाम रिवर है थाईलैंड का, तो वो सारे भी इसके अंदर आपने इंक्लूड करने हैं कि ये सब भी हमारे पास जो है वो सदर्न रिवर्स के अंदर या फिर पैसिफिक ओशन के अंदर ड्रेन होते हैं।